सही सही जो मैं इसी होगा ऊपर से है। तो वीवो तो कैमरे फोन ले गया टाप के काम में से डाल देना। देखे ना चुकी इंग्लिश का क्या पढ़ा है नहीं देखे बच्चों, कल हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पैसिव वॉइस की जानकारी दी थी। आज के वीडियो में आप देखेंगे आपका ग्रामर सेक्शन में जो पहला प्रश्न आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का, तो उसमें आप पहला क्वेश्चन आता है एक रीऑर्डरिंग का, लेकिन रीऑर्डर करने के सेंटेंस को रीऑर्डर करने के अलग अलग नियम होते हैं, और आप अगर इन नियमों को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको रीऑर्डर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई समस्या आपको नहीं आती है। रीऑर्डर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं और उन पार्ट्स के भी कितने पार्ट्स होते हैं। अगर हम इन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को सही तरीके से रीऑर्डरिंग ऑर्डर में रखते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस को रीऑर्डर कर सकते हैं, और रीऑर्डर करके आप आसानी से अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले आप देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को रीऑर्डर करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, नंबर एक सब्जेक्ट और नंबर दो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो हिस्से होते हैं एक सेंटेंस के, दो पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के। अगर आप सब्जेक्ट को और उसके प्रेडिकेट को सही अवस्था में रखते हो तो आप आसानी से सेंटेंस को कमिट कर लेते हो, सेंटेंस को सही तरीके से रीऑर्डर कर देते हो, और आपको परीक्षा में निर्धारित दो अंक आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। चलिए सेंटेंस को रीऑर्डर करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और एक प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, और फिर हम इसका आपको एक जनरल फार्मूला बताएंगे जिससे कि आप आसानी से सेंटेंस को रीऑर्डर कर सके। चलिए देखते हैं जैसा कि हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इसके दो पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के सारे सारे पार्ट्स देखेंगे और उसके बाद में प्रेडिकेट के। यहां पर दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के भाग। देखते हैं वैसे तो एक सब्जेक्ट के कोई निर्धारित
हिस्से नहीं होते, डिराइव पार्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट के अधिकतम 5 पार्ट्स हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, नंबर एक डिटर माइनर, नंबर दो क्वालीफायर, नंबर तीन एडजेक्टिव, नंबर चार नाउन, इसे हम हेड वर्ड भी कह सकते हैं, और नंबर पांच आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, इसको हम फ्रेजल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो एक सेंटेंस के अधिकतम 5 पार्ट्स हो सकते हैं, नंबर एक डिटरमाइनर, नंबर दो क्वालिफायर, नंबर तीन एडजेक्टिव, नंबर चार नाउन अथवा इसे आप हेडवर्ड कह सकते हैं, नंबर पांच एडजेक्टिव फ्रेज, इसे हम फ्रेजल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो ये 5 हिस्से होते हैं सब्जेक्ट के। अगर आप इन्हें आप अगर कम से लगा देते हैं तो आपका सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो आसानी से रीऑर्डर हो जाता है। मैं आपको दिखा दूं, लेकिन मैं एक बार बता दूं कि ये 5 हिस्से डिटरमाइनर क्वालिफायर एडजेक्टिव नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज, ये आवश्यक नहीं है कि एक सब्जेक्ट के हिस्से में ये 5 पार्ट हो ही। हो सकता है कि इसमें केवल क्वालिफायर हो केवल, और हो सकता है कि केवल एडजेक्टिव हो, लेकिन हो सकता है कि लेकिन नाउन और हेडवर्ड आपका जरूर होता है, और हो सकता है कि एडजेक्टिव फ्रेज हो या ना हो। ये आवश्यक, ये 5 पार्ट्स एक सब्जेक्ट के हिस्से में अनिवार्य रूप से आना आवश्यक नहीं है। तो अगर हम हमने बताया कि अगर कम से हम इन 5 पार्ट्स को लगा देते हैं तो हमारा सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो आसानी से कंप्लीट हो सकता है। इसके लिए मैं बता दूं, डिटरमाइनर, जैसा कि आपको पता है डिटरमाइनर मीन्स होता है दृढ़ करने वाला, निश्चित करने वाला। तो डिटरमाइनर क्या होता है, ऐसे शब्द जो किसी भी नाउन के साथ में आने के लिए जरूर अपने किसी भी नाउन के साथ में अवश्य आते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं डिटरमाइनर। फिर से आप एक बार सुन लीजिए, डिटरमाइनर क्या होता है, ऐसे शब्द जो किसी नाउन के साथ में आने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है डिटरमाइनर। क्वालिफायर क्या है, क्वालिफायर में होता है विशेषता बताने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी भी नाउन की विशेषता बताएं, वो होते हैं क्वालिफायर। और मुख्य रूप से जो क्वालिफायर होता है वो किसी भी नाउन की संख्या के रूप में यहाँ पर इस नाउन के साथ में आता है, मोस्टली ये उसकी संख्या बताता है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन की सब्जेक्ट के पार्ट में प्रयोग हुए नाउन की विशेषता बताता है, और नाउन या हेडवर्ड जो होता है वो
वाक्य में मुख्य कार्य करता है अर्थात मुख्य कर्ता होता है, जो वर्ब का वाक्य वर्ब का सीधा प्रभाव नाउन या हेडवर्ड ही डालता है, हेडवर्ड पर ही पड़ता है, अर्थात मुख्य कार्य नाउन या हेडवर्ड ही करता है। और एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज मुख्य रूप से नाउन या हेडवर्ड की स्थिति का वर्णन करता है कि वो नाउन वो हेडवर्ड जो है वो उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन पांचों शब्दों को डिटरमाइनर क्वालिफायर एडजेक्टिव और नाउन अथवा हेडवर्ड एडजेक्टिवल फ्रेज या फ्रेजल एडजेक्टिव इनको अगर हम क्रम से लगा दें तो आसानी से हमारा सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको एक जनरल फार्मूला बना के दिखाता हूँ जिससे ये पता चल जाएगा कि आप कोई भी सेंटेंस उसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो देख लीजिए, ये दिखाए क्या, कॉमन फार्मूला टू कंप्लीट ए सब्जेक्ट पार्ट। क्या रहेगा इसका कॉमन फार्मूला, देख लीजिए। सबसे पहले हम वाक्य में डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात में आप क्वालिफायर का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात आप एडजेक्टिव का प्रयोग करते हो, उसके पश्चात आप नाउन अथवा वाक्य के हेडवर्ड का प्रयोग करते हो, और उसके पश्चात में आप एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग करते हो, और प्लस इसके साथ में आप वाक्य के प्रेडिकेट का प्रयोग कर लेते हो, तो आपका सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो आपका आसानी से भर जाता है, आपका आसानी से कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको बता दूं, एक हम सेंटेंस लेते हैं, ए गर्ल लिटिल सिटिंग इन द रूम। ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट है जो कि डिसऑर्डर अवस्था में है, अर्थात व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा हुआ है। तो ये आपका है सब्जेक्ट का पार्ट, ये आपका है सब्जेक्ट का पार्ट, और बाकी बचा हुआ हिस्सा आपका प्रेडिकेट का है। लिखा है क्या, वाच स्टडीइंग इंग्लिश। तो इसको हमें करना है क्या, रीऑर्डर अवस्था में लाना है, पूरे के पूरे सेंटेंस को व्यवस्थित ढंग से रखना है। तो जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको हमें लगाना है डिटरमाइनर,
तो इसमें से हमें डिटरमाइनर का प्रयोग करना है, डिटरमाइनर को निकालना है कि वो कौन सा शब्द है इसमें से जो डिटरमाइनर का काम कर रहा है। जो तो जैसा कि हमने बताया कि डिटरमाइनर मुख्य रूप से क्या करता है कि जो हेडवर्ड के साथ में आने के लिए बात होता है वो होता है आपका डिटरमाइनर। सबसे पहले हमें तो इसमें डिटरमाइनर क्या है आपका ए, डिटरमाइनर लगाया। तो जब डिटरमाइनर हमने लगा दिया फिर इसमें हम देखते हैं क्या क्वालिफायर, तो क्वालिफायर इसमें है ही नहीं। मैं बता दूंगा अभी कि कैसे हम डिटरमाइनर और क्वालिफायर में भिन्नता लाते हैं। समस्त सामान्यतः बच्चे डिटरमाइनर और क्वालिफायर में अंतर को नहीं जान पाते हैं, इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा अभी। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, क्या कह रहा है लगाने के लिए डिटरमाइनर, तो हमने डिटरमाइनर का प्रयोग किया। फिर कह रहा है क्या क्वालिफायर, वाक्य में क्वालिफायर का प्रयोग नहीं है इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। फिर हमें क्या लगाना है सेंटेंस को कमिट करने के लिए एडजेक्टिव। तो आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं एडजेक्टिव। तो इसमें वो कौन सा शब्द है जो एडजेक्टिव है, तो आप जानते हैं हेडवर्ड क्या है, हेडवर्ड या नाउन क्या है, वाक्य में मुख्यकर्ता का काम कौन कर रहा है। इसके लिए हम देखते हैं क्या वर्ब को देखते हैं, वर्ब क्या है स्टडी। तो और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी वाक्य में हम जब हु शब्द का अंग्रेजी में हु शब्द का प्रयोग करते हैं या हिंदी में कौन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा हेडवर्ड या नाउन या सब्जेक्ट, हमारा मेन जो सब्जेक्ट होता है वो बाहर आ जाता है। वर्ब क्या है स्टडी, अध्ययन कर रहा है। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं क्या कौन, अर्थात अध्ययन कर रहा है कौन, कौन अध्ययन कर रहा है, तो हमारा आंसर मिल जाता है गर्ल। तो आप जानते हो फिर हमने क्या बताया आपको लगाना है क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है लिटिल। तो ये लिटिल कौन है, हेडवर्ड की विशेषता बताता है या नाउन की विशेषता बताता है, तो लिटिल कौन है, लिटिल है गर्ल। तो गर्ल के साथ में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, हमें लगाना है क्या डिटरमाइनर के बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है लिटिल। तो ए लिटिल, अब हमें क्या लगाना है नाउन या हेडवर्ड, हमें नाउन या हेडवर्ड का प्रयोग कर दिया। इसके बाद कह रहा है हमें लगाना है क्या एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसा कि मैंने बताया कि एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा नाउन की स्थिति का वर्णन करता है, अर्थात कि हेडवर्ड है कहाँ, उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है कि सिटिंग इन द रूम, अर्थात कमरे में बैठी हुई। तो हेडवर्ड के बाद में हम एडजेक्टिव का फ्रेज का प्रयोग करते हैं अर्थात सिटिंग इन द रूम का प्रयोग करते हैं। तो ए लिटिल गर्ल सिटिंग इन द रूम, ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। बाकी बचे हुए प्रेडिकेट के हिस्से को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, लिख देते हैं, तो हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा रियल हो जाता है। कैसी वाज स्टडिंग इंग्लिश, ये देखिए हमारा पूरा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको बता दूं जो हम पहले बता रहे थे कि बच्चे अक्सर डिटरमाइनर और क्वालिफायर में अंतर को नहीं जान पाते हैं, तो इसका एक सीधा सा फार्मूला है, इसका एक सीधा सा फार्मूला है। इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। सेंटेंस दिया हुआ है कि ए
rocks in the forest was trying to get the hanging grass. ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो डिटरमाइनर और क्वालिफायर में अंतर को जानने के लिए हमने इस वाक्य को लिखा है और इस वाक्य से आप आसानी से जान जाएंगे कि डिटरमाइनर और क्वालिफायर में क्या अंतर होता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम छांटते हैं, निकालते हैं कि वाक्य में हेडवर्ड कौन है, और हेडवर्ड को जानने के लिए हम इसकी क्रिया को निकालते हैं। लिखा है क्या? ट्राइंग, प्रयास कर रही। एक क्लेवर फॉक्स एक चतुर लोमड़ी इन द फॉरेस्ट जंगल में वाज ट्राइंग टू गेट द हैंगिंग रॉक, लटकते हुए अंगूरों को पाने का प्रयास कर रही थी। तो वर्ब हमारी है क्या? ट्राइंग, प्रयास करना। प्रयास कौन कर रहा था? फॉक्स। तो हमारा हेडवर्ड क्या है? फॉक्स। हेडवर्ड क्या है? फॉक्स। तो डिटरमाइनर और क्वालिफायर में अंतर को जानने के लिए हमने क्या बताया कि इसके हेडवर्ड को हम निकाल लेंगे, इसके नाउन को हम निकाल लेंगे, और फिर ये देखेंगे कि उस नाउन या उस हेडवर्ड के पूर्व कितने शब्दों का प्रयोग है। समझ गया? ये केवल बस छाटने का तरीका है, ये केवल ये जानने का तरीका है कि डिटरमाइनर और क्वालिफायर कैसे हम निकालेंगे। लेकिन ये इसको परिभाषा नहीं है। परिभाषा तो हमने आपको पहले बताई कि डिटरमाइनर क्या होता है, जो हेडवर्ड या नाउन के पहले आने के लिए बाध्य हो, जो निश्चित रूप से नाउन या हेडवर्ड के पहले जो शब्द आए उसे कहते हैं डिटरमाइनर। और क्वालिफायर ये हमें नाउन की विशेषता बताता है। लेकिन दोनों को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, उसके लिए हमने आपको बताया कि हेडवर्ड को देखेंगे। हेडवर्ड क्या है? फॉक्स। तो सामान्यतया होता ये है कि हेडवर्ड के पहले अगर दो शब्दों का प्रयोग है, हेडवर्ड के पहले अगर दो शब्दों का प्रयोग है तो पहला वाला जो शब्द होता है वो होता है आपका डिटरमाइनर, और जो दूसरा शब्द होता है वो होता है आपका क्वालिफायर। पहला जो शब्द होता, अगर हेडवर्ड के पूर्व दो शब्दों का प्रयोग हो तो जो पहला शब्द होगा वो होगा आपका डिटरमाइनर, और जो दूसरा शब्द होगा वो होगा क्वालिफायर। लेकिन मैं आपको बता दूं, सामान्यतया जैसा कि हमने बताया कि हेडवर्ड के पहले अगर दो शब्दों का प्रयोग है तो पहला डिटरमाइनर, दूसरा क्वालिफायर। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि हेडवर्ड के पूर्व जितने भी शब्द होते हैं वो क्वालिफायर ही होते हैं। हेडवर्ड के पूर्व जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है वे सब क्वालिफायर होते हैं। लेकिन अगर हेडवर्ड के पूर्व केवल एक शब्द ही होता है, अगर हेडवर्ड के पूर्व केवल एक ही शब्द होता है तो उसे हम क्वालिफायर कह देते हैं, और अगर हेडवर्ड के पहले या नाउन के पहले एक से अधिक शब्द होते हैं, मान लिया दो शब्द हैं, तो पहला डिटरमाइनर और दूसरा क्वालिफायर। चलिए इसके बाद में क्या करेंगे, ये दोनों ही शब्द क्या हैं? क्वालिफायर हैं। लेकिन अगर पहला शब्द जो है आपका
एक शब्द अगर हेड वर्ड के पूर्व दो शब्द आते हैं तो पहला वाला डिटरमाइनर और दूसरा वाला आपका होगा नहीं एडजेक्टिव होगा, दूसरा वाला आपका होगा एडजेक्टिव होगा। फिर से आप ध्यान सुन लीजिए कि अगर हेड वर्ड के पूर्व एक शब्द है तो उसे हम क्वालिफायर कह देते हैं, अगर एक से अधिक शब्द है तो उसे हम पहला वाला डिटरमाइनर हो जाएगा और बाद वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ये दोनों शब्द क्वालिफायर के ही पार्ट होते हैं। एक दूसरा वाक्य आप देख लीजिए, लिखा है क्या कि आइन ओल्ड मैन सिटिंग एट द गेट वाज बेगिंग फूड। लिखा है क्या, एन ओल्ड मैन सिटिंग एट द गेट वाज बेगिंग फूड। सेंटेंस लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन सिटिंग एट द गेट वाज बेगिंग फूड, कि गेट पर बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी भोजन मांग रहा था। सेंटेंस लिखा हुआ आपका है, तो अब हम जानते हैं डिटरमाइनर और क्वालिफायर में अंतर को जानने के लिए एडजेक्टिव क्या होता है जानने के लिए। तो इसके लिए हमने आपको पहले बताया तरीका कि सबसे पहले हम वाक्य के हेडवर्ड को निकालते हैं, वाक्य के हेडवर्ड को हम निकालते हैं। हेडवर्ड क्या है इसको जानने के लिए हम क्रिया पर जाएंगे, इसकी वर्ब पर जाएंगे। वर्ब क्या है, बेगिंग। वर्ब क्या है, बेगिंग वर्ब है, मांग रहा था। मांग कौन रहा था, मैन। मांग कौन रहा था, मैन। तो मैन ये आपका हो गया नाउन अथवा हेड वर्ड, नाउन अथवा हेड वर्ड। अब देखते हैं क्या नाउन के पूर्व कितने शब्दों का प्रयोग है, नाउन के पूर्व कितने शब्दों का प्रयोग है। नाउन के पूर्व दो शब्दों का प्रयोग है, एन और ओल्ड। तो जैसा आपने बताया कि नाउन के पहले जितने भी शब्द होते हैं, नाउन के पूर्व जितने भी शब्द होते हैं वो सब वास्तव में क्या होते हैं, क्वालीफायर ही होते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए बच्चों कि नाउन के पूर्व जितने भी शब्द होते हैं वो सब होते हैं क्वालीफायर, चाहे एक शब्द हो, चाहे दो शब्द हो, चाहे तीन हो, चार हो, जितने भी शब्द होंगे नाउन के पहले या हेडवर्ड के पहले वो सब क्वालीफायर ही होते हैं। लेकिन तो फिर डिटरमाइनर क्या होता है, तो जैसा कि हमने बताया कि हेडवर्ड के पूर्व अगर केवल एक शब्द है तो वो क्वालीफायर कहलाएगा, अगर दो शब्द हैं या दो से ज़्यादा शब्द हैं तो पहला वाला आपका डिटरमाइनर हो जाता है और बाद वाले हेडवर्ड और डिटरमाइनर के बीच में जितने भी शब्द होते हैं वो सब एडजेक्टिव का काम करते हैं, वो सब एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो आपका एन क्या हो गया, डिटरमाइनर, और जो दूसरा शब्द होगा वो आपका एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। एक अपवाद और आप देख लीजिए, लिखा है क्या, ए बॉय वाज कॉपिंग इन द क्लास। लिखा है क्या, ए बॉय वाज कॉपिंग इन द क्लास। अब आप देख लीजिए कि इस वाले बात में नाउन या हेडवर्ड क्या है, वो है बॉय। नाउन क्या है, बॉय। क्यों नाउन या हेडवर्ड को जानने के लिए हमने आपको बताया कि इसकी वर्ब को देखते हैं, वर्ब क्या है, कॉपिंग, निकल कर रहा। तो ए बॉय वाज कॉपिंग इन द क्लास, एक लड़का
कक्षा में नकल कर रहा था। क्या कर रहा कौन? और देखिए बन क्या है, कॉपी नकल कर रहा था। कौन कर रहा था? बॉय। तो बॉय क्या हो गया? नाउन या हेडवर्ड हो गया। नाउन या हेडवर्ड के पूर्व कितने शब्दों का प्रयोग है? केवल एक, और वो क्या है? एक। तो नाउन या हेडवर्ड के पूर्व अगर एक शब्द का प्रयोग होता है तो वो हमेशा क्वालिफायर का काम करता है। क्या काम करता है? क्वालिफायर का काम करता है। नाउन के पहले अगर केवल एक ही शब्द का प्रयोग होता है तो वो क्वालिफायर का काम करता है। और इस वाली बात में आप देख रहे हैं कि अगर हेडवर्ड के पहले दो शब्द का प्रयोग है, अगर हेडवर्ड के पूर्व दो शब्दों का प्रयोग है तो पहले वाले को हम डिटरमाइनर कह देते हैं और बाद वाले बचे हुए शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और अगर हेडवर्ड के पूर्व केवल एक ही शब्द का प्रयोग होता है तो उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। आप इसको फिर समझ लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि एडजेक्टिव क्वालिफायर डिटरमाइनर और क्वालिफायर क्या होते हैं। इसको आप फिर समझ लीजिएगा कि डिटरमाइनर और क्वालिफायर क्या होते हैं। तो हमने बताया आपको डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन के पहले आने के लिए बाध्य होते हैं, अर्थात अवश्य ही आते हैं, तो उसे कहते हैं डिटरमाइनर। अर्थात जो किसी भी नाउन, डिटरमाइनर मींस क्या होता है? दृढ़ हो जाना। डिटरमाइनर दृढ़ करने वाला, दृढ़ होने वाला। तो ऐसे शब्द जो किसी भी हेडवर्ड के पूर्व आने के लिए दृढ़ हो जाते हैं उन्हें कहते हैं डिटरमाइनर। और क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर मींस होता है विशेषता बताना। तो क्वालिफायर का मतलब क्या हो गया? विशेषता बताने वाला। दोनों में अंतर क्या है? कैसे पता करेंगे कि कौन डिटरमाइनर है और कौन क्वालिफायर है और कौन एडजेक्टिव है? तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए, इसको जानने के लिए हमें क्या करना है? वाक्य के हेडवर्ड को छांटना है। वाक्य जैसे कि हमने आपको ये वाक्य सिखाया कि एन ओल्ड मैन सिटिंग एट द गेट वाज बेगिंग फूड। तो इसमें हेडवर्ड क्या है? बिगिंग क्या कर रहा है? कौन बिगिंग कर रहा है? कौन मांग रहा है? मैन। मैन क्या हो गया? नाउन या हेडवर्ड। और इस हेडवर्ड के पूर्व कितने शब्दों का प्रयोग है? दो शब्दों का प्रयोग है। कौन कौन सा? आई और ओल्ड। आई और ओल्ड दो शब्दों का प्रयोग है। तो पहला वाला जो शब्द आपका होगा वो डिटरमाइनर का काम करेगा और जो दूसरा शब्द होगा वो आपका एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। लेकिन वास्तव में हेडवर्ड के पूर्व जितने भी शब्द होते हैं वो सब वास्तव में क्वालिफायर ही होते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, इस वाले बात में दिया है, बॉय के पहले हमने केवल एक शब्द को ही रखा है विशेषता बताने के लिए, हमने केवल एक ही शब्द को रखा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? क्वालिफायर। क्या कहलाएगा? वो क्वालिफायर कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आप अब आसानी से डिटरमाइनर और क्वालिफायर में अंतर को जान पाए होंगे। इसके बाद आपका दिया है क्या? नाउन या हेडवर्ड। तो हमने आपको बताया कि वाक्य में जो शब्द मुख्य कार्य करता है, अर्थात जिस शब्द का क्रिया पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, वो कहलाता है नाउन या हेडवर्ड। अर्थात वाक्य में जो कार्य करता है वही हेडवर्ड होता है, वही नाउन होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता भैया है, अर्थात एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो हेडवर्ड की स्थिति का वर्णन करता है, अर्थात ये बताता है कि हेडवर्ड कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है। तो इस वाले बात को हमने लिखा था
लिखा है क्या, आई एन ओल्ड मैन सिटिंग एट द गेट वाज बेगिंग फूड। तो मैन इसमें हेड वर्ड है और उसकी स्थिति क्या है, वो कहां पर है, सिटिंग एट द गेट, सिटिंग एट द गेट। तो सिटिंग एट द गेट क्या है, ये आपका है एडजेक्टिवल फ्रेज, क्योंकि ये एक नाउन की स्थिति का वर्णन कर रहा है कि नाउन कहां पर स्थित है। तो आशा करता हूं कि आप आसानी से समझ गए होंगे डिटरमाइनर क्वालिफायर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या हेडवर्ड क्या होता है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो अगर हम इन सभी शब्दों को एक क्रम से लगा दें, लिख दें, तो हमारा सब्जेक्ट का हिस्सा आसानी से कंप्लीट हो सकता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या, देखते हैं इसके बाद लिखा है क्या, इनफिनिटिव आइज ए सब्जेक्ट, लिखा है इनफिनिटिव एज सब्जेक्ट। तो कभी कभी एक इनफिनिटिव सब्जेक्ट का काम करता है, और आप जानते हो इनफिनिटिव क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा इन्फिनिटिव का काम करता है। इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब का अंग है, एक हिस्सा है, जो कि वर्ब का काम ना करके और नाउन का काम करता है। तो हमने क्या बताया कि इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग, और इन्फिनिटिव का कैसे बनता है हमने आपको बताया कि जब हम किसी भी वर्ब के पूर्व टू का प्रयोग कर देते हैं तो वो बन जाता है इन्फिनिटिव। जैसे लिखा है टू ईट टू मच इज Not healthy, लिखा है to eat too much is not healthy, कि अत्यधिक खाना स्वास्थ्य के लिए, अत्यधिक खाना स्वास्थ्य के स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है। तो आप देखते हैं क्या लिखा है to eat, तो यहाँ पर to eat जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके बाद दिया है क्या, आप देखते हैं लिखा है क्या, आशा करता हूं कि आप आसानी से इन्फिनिटिव का प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में जान गए होंगे। एक हम एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल वन और एग्जांपल टू, लिखा है क्या टू टेक एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, टू टेक एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लाभदायक है। तो इसके बाद देखते हैं, तो टू टेक एक्सरसाइज ये एक इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, तो ये एक इन्फिनिटिव के रूप में काम कर रहा है और एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से इन्फिनिटिव जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। चलिए अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक जीरंड जो है
वो सब्जेक्ट का काम करता है, और इसके बाद में अगले वाले वीडियो में हम आपको प्रेडिकेट के हिस्से बताएंगे कि किस प्रकार से प्रेडिकेट काम करता है, प्रेडिकेट को रिऑर्डर करने का क्या तरीका है।